बहुत जरूरी है। और मैं बताऊंगा अभी जितनी भी अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक पेपर आया था, बाहर आया था, इंग्लैंड से आया था मेरे पास, कि मैं एडिटोरियल भी हूँ एक दो जर्नल्स के लिए, मेडिकल जर्नल्स के लिए, मगर अभी जो रीसेंट एविडेंस आई है और मैं इस प्रोग्राम की तरफ से बताना चाहूँगा लोगों को, पब्लिक ऑफ थ्रू आउट पाकिस्तान के विटामिन डी लेवल्स हैव बीन प्रूवन ऑलमोस्ट टू बी डायरेक्टली रिकॉरिलेटेड विद द पेशेंट्स के जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, यानी जिन लोगों के 30 मिलीमोल से कम हैं विटामिन डी लेवल्स, उन लोगों को ज्यादा सीवियर कोरोना हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर पब्लिश हुआ। अच्छा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। विटामिन डी की कमी जो है पाकिस्तान में तो ऐसी हर तीसरे बंदे को। अब आप चले जाएं थोड़ा स्टेप पीछे। हाँ। अब आप देखें कि यूरोप में इटली एक नंबर वन कंट्री आती है पूरी दुनिया में, खासतौर से यूरोप में, जिधर यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन खासतौर से ज्यादा है नंबर वन। दूसरी बात ये कि वहाँ पे लोगों के विटामिन डी लेवल 30 मिलीमोल से ऑन एवरेज कम होते हैं। अच्छा। तो सबसे ज्यादा हिट कहाँ हुआ है? इटली से शुरू हुआ था। जी। और खासतौर से अगर आप इक्वेटर लाइन देखेंगे, जो हेमिस्फीयर से 20 डिग्रीज ऊपर और नीचे रहते हैं, डिग्रीज उसके इक्वेटर लाइन से, उन मुल्कों में जरा ज्यादा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को, उन कंट्रीज के लोगों के विटामिन डी लेवल्स लो है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को बोलूंगा कि विटामिन डी लेवल्स आपके ऑप्टिमम होने जरूरी है। ये सब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये जर्नल्स में पब्लिश हुआ है अभी रिसेंटली, खासतौर से अभी लास्ट मंथ भी पब्लिश हुआ है। जी जी। कि अपने विटामिन डी लेवल्स को एटलीस्ट 50 से ऊपर रखें। हाँ। तो मैं तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि विटामिन डी लेवल्स, खाना इस तरह का खाएं। अच्छा, आप जैसे आम लोगों को नहीं समझ आती विटामिन डी किसमें होगा? धूप से मिलता है, बीजों में होता है? आइडियल तो धूप से ही होता है, क्योंकि हमारे जो स्किन है उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल होती है, उसको जब धूप लगती है, डायरेक्ट सनलाइट लगती है, तो वो ब्रेक डाउन होकर विटामिन डी बनता है। बहुत बड़ी साइकिल होती है। अच्छा। लीवर के थ्रू जाता है, फिर किडनी के थ्रू जाता है। मगर अगर आपको एक तरीके से शॉर्टकट मार के लेना है, तो आप गहरी बात है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी होते हैं। हाँ। और जो इसके फिर मुख्तलिफ वो ये विटामिन डी के वैसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो NICE की तरफ से नाइस गाइडलाइंस है। हाँ। वो तो 400 है, बहुत सी किताबों में 600 भी लिखा हुआ है, पर जो भी है कम से कम 500-600 से ऊपर ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूर। ऑयली फिश, ट्यूना, सैमन, मैकरेल, इसके अलावा एग योक्स, अमीरों के खाने हैं, गरीबों के खाने बताएं। अंडा, एग योक्स, एग योक्स, और जो वन ऑफ द हाईएस्ट मील्स जो होता है वो जो होता है बीफ लिवर जो होती है, यानी गाय का जो लिवर होती है, उसके अंदर वेरी वेरी हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी। कलेजी, जी 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 बिल्कुल, उसके अंदर वेरी हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी है। चीज के अंदर वेरी हाई, पनीर के अंदर हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी है। अच्छा। तो ये और बाकी चीज आप गूगल करके देख लें, ऐसे बहुत से फ्रूट्स भी हैं जिनमें विटामिन डी हाई है, मगर विटामिन डी लेवल, अच्छा विटामिन डी भी हो और कहते हैं विटामिन सी भी आपके इम्यून सिस्टम को ऑब्वियसली बूस्ट करता है। बिल्कुल, विटामिन सी, फाइव अलग चीजें, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप अभी फल से आए हैं, फलों में बहुत है, उनमें सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एक तरीके से ना सिर्फ इसको इसके लिए भी हेल्प करते हैं, बल्कि हमारे जनरल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यून बूस्टर मिल जाता है हमको एक तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को मारता है।